बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। आपने ये है कि आप भाई मेरे साथ पहले मैं एक न्यूज शेयर कर चुका हूं, पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए एक नया फ्रॉड मुतारफ करवा दिया गया है। आप भाइयों ने शायद वो मेरी वीडियो देख ली हो, अगर नहीं देखी है तो भाई अभी मैंने लोड की है, चंद घंटे या एक दिन पहले की बात है। आप भाई जाकर वो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, उसके थ्रू आप अपने भाई लाखों रुपए बचा सकते हैं। आपको चूना लगा रहे हैं वो बंदे भाई, वो डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या हम पाकिस्तान से बहरीन, बहरीन से सऊदी अरेबिया में दाखिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा ये बात कहां से उठी है। ये बात वहां से उठी थी कि जब पिछले साल की बात करूंगा, जब सऊदी अरेबिया ने बहरीन के लिए अपने जमीनी रास्ते खोल दिए थे। आपको याद होगा जब पहले लॉकडाउन लगाया गया था तो वहां पर लॉकडाउन 20 ममालिक के लिए नहीं था, वो तमाम तर कंट्रीज के लिए लगाया गया था सऊदी अरेबिया ने। वहां से फिर जब जमीनी रास्ते खोले गए थे बहरीन के लिए, तो धड़ाधड़ अवाम सऊदी अरेबिया में दाखिल हुई थी। उसके मतलब शायद यहां पर कुछ पिक्चर्स वगैरह भी मैं आपको दिखा रखा हूं। बात यह है कि उनमें गैर मुल्की थे, सऊदी हजरात की बेगमा थी, जो सऊदी औरतें हैं उनके खावंद वगैरह थे, बच्चे वगैरह थे, या उनके साथ जो भी अमला था वो, या वहां पर बसे हुए सऊदी हजरात या बहरीन में रहने वाले खुद बहरीनी सऊदी अरेबिया में जिनके कारोबार हैं, और पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी वगैरह भाई भी वहां पर जो मौजूद थे, वेट कर रहे थे जमीनी रस्तों का, वो भी सऊदी अरेबिया में दाखिल हुए थे। अभी यह न्यूज गर्दश कर रही है जी कि पाकिस्तान से टिकट लें बहरीन की, बहरीन में 14 दिन का कंटीन करें और उसके बाद सऊदी अरेबिया में दाखिल हो जाए, क्योंकि बहरीन की फ्लाइट्स वगैरह और बहरीन के जमीनी रास्ते सऊदी अरेबिया के खुले हुए हैं। उन 20 ममालक में बहरीन नहीं आता था जिन पर फ्लाइटें वगैरह बंद की गई हैं। असल 17 मई तक भी उन 20 ममालक की फ्लाइट वगैरह बंद हैं। बात कर लेते हैं इसके मुतालिक। अगर आप भाई पाकिस्तान से लेते हैं टिकट या किसी बंदे के थ्रू आप काम करवाते हैं अपना, वो आपको वीजा लेकर देता है बहरीन का, आप बहरीन में दाखिल हो जाते हैं, वहां से आप टिकट लेकर आते हैं पाकिस्तान से भाई 15 दिन की 20 दिन की स्टे वाली, यानी उसके बाद सऊदी अरेबिया में हम दाखिल होंगे। आपको 14 दिन का कंटीन करना होगा बहरीन में, उसके दौरान यानी कि 14 दिन के दौरान भाई आपको होटलिंग का खर्चा है, आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, ना काम कर सकते हैं बहरीन में, सिर्फ और सिर्फ अपना भाई 14 दिन का आप होटल में रहेंगे, अपना खाना खाएंगे, वहां पर अपनी तमाम तर अखराजात खुद उठाएंगे, टिकट का खर्चा अलहदा होगा जो पाकिस्तान से बहरीन, बहरीन से सऊदी अरेबिया की होगी। इसमें भाई 14-15 दिन का कंटीन है जी, उसके बाद टिकट का खर्चा है, उसके बाद भी रिस्क है कि बहरीन से आपको सऊदी अरेबिया में दाखिल होने दिया जाए या नहीं होना दिया जाए, क्योंकि ये सरासर रिस्क है जी। मैं आपको साफ अल्फाज में बोल रहा हूं, डॉक्टर हजरात, फनी मैना वाले और इंजीनियर हजरात, स्वार्थ खाने वाले हजरात, सऊदी बेगमात या सऊदन औरतों के जो हस्बैंड हैं उनके या उनका जो अमला वगैरह है, इनको तो भाई डायरेक्ट इजाजत है। आप डॉक्टरी के शोबे से तलक रखते हैं तो पीआईए की फ्लाइट रोज आती है 4 बजे जद्दा एयरपोर्ट पर, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो भाई उसमें डॉक्टर हजरात यानी कि मेडिकल शोबे से तलक रखने वाले, स्वार्थ खाने वाले बंदे और सऊदी फैमिलीज वाले बंदे, उनको तो इजाजत है, वो तो डायरेक्ट आ सकते हैं। तो दूसरे तमाम तर अफराद जो जिनमें भाई मेहनत मजदूरी अमल वगैरह साइज वगैरह, वो तमाम तर बंदे ये रिस्क मत लें। आपको साथ में पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुका हूं, उसमें भी आपको बता चुका हूं यही, लेकिन इसमें भी आपको भाई क्लियर कट बता रहा हूं कि बहरीन के रास्ते सऊदी अरेबिया में मत आए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मैं आप भाइयों को मना कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ भाई ये बात कर रहा हूं कि आपके मजीद 2-3 लाख डूब जाएंगे। तो कुछ दिन सब्र करें, सऊदी अरेबिया इंशाल्लाह ताला अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट जरूर खोलेगा और बहुत जल्द खोलेगा। तमाम तर डिटेल आप भाइयों के साथ वक्तन फवक्तन इसके मुतालिक मैं शेयर करता रहूंगा। किसी और चीज के मुतालिक जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।